स्टार प्लस के पॉपुलर सीरियल झनक में झनक ने जो बड़ी अनाउंसमेंट की है अपनी प्रेगनेंसी की, उस वजह से झनक और अनिरुद्ध के बीच में जो पहले डिफरेंसेस थे वो और भी ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि अनिरुद्ध को लगता है कि झनक झूठ बोल रही है। झनक को पता है कि वो अनिरुद्ध के बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन अनिरुद्ध को कुछ भी याद नहीं है और इसीलिए वो ये बात नहीं समझ पा रहा है कि झनक इतना बड़ा झूठ पूरे परिवार के सामने आखिर क्यों बोल रही है। इसी के चलते अनिरुद्ध के ऊपर अर्शी और सृष्टि का भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि अनिरुद्ध को नहीं लगता कि उसने कुछ भी गलत किया है और इसी बात को प्रूव वो करना चाहता है। और इसलिए आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि कैसे अनिरुद्ध झनक को उसकी जगह पर पहुंचाने के लिए, अपनी लाइफ से उसे दूर करने के लिए अर्शी और सृष्टि की बातों में आ जाएगा। झनक डिसाइड करेगी कि वो अपूदी की शादी तक इसी घर में रहेगी, जबकि अनिरुद्ध को अब इतना भी बर्दाश्त नहीं है कि वो झनक के साथ एक घर में रह सके, इसलिए वो कहेगा कि वो अर्शी के घर जाकर रहेगा जब तक झनक यहाँ पर रह रही है। इसी के चलते अर्शी और सृष्टि अनिरुद्ध के दिमाग में कुछ ऐसी बातें डालेंगे जिसके बाद अनिरुद्ध एक बहुत बड़ा स्टेप उठा सकता है झनक के खिलाफ, क्योंकि झनक क्लेम कर रही है कि उसका हक बनता है अनिरुद्ध पर और उसके बच्चे का हक बनता है बॉस परिवार पर। इसलिए अर्शी और सृष्टि के कहने पर अनिरुद्ध झनक के अगेंस्ट पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट फाइल करेगा। दूसरी तरफ झनक के लिए फाइट करने के लिए तैयार हो चुके हैं गुरुजी और आदित्य, जिन्होंने हाथ ज्वाइन कर लिया है ताकि वो झनक के असली पिता यानी कि ब्रिजभूषण जी का राज, उनका सीक्रेट सबके सामने ला सके और झनक को उसका हक दिलवा सके।